दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी के कुछ घंटों बाद ही शुक्रवार को दर्जन भर आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग की ओर से जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार जिनका स्थानांतरण किया गया है उनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं, जो 2007 बैच के AGMUT कार्डर के आईएएस अधिकारी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में राय के विरुद्ध कार्रवाई की संतुति की थी। आदेश के मुताबिक राय को प्रशासनिक सुधार विभाग में विशेष सचिव के तौर पर स्थानांतरित किया गया है। दरअसल शराब कारोबार में सुधार और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले साल दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को CBI की छापेमारी की गई। CBI ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के आवास और 30 अन्य स्थानों पर शुक्रवार को छापे मारे। जांच एजेंसी ने दावा किया कि सिसोदिया के निकट सहयोगी की कंपनी को कथित रूप से 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि कई घंटों की तलाशी के बाद एजेंसी ने उनका कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिया तथा उन्होंने कुछ फाइल भी अपने कब्जे में ले ली। कई घंटे तक चली छापेमारी की कार्रवाई के बाद सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, सुबह CBI की टीम पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली। मेरे परिवार और मैंने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उन्होंने मेरा कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिया, वो कुछ फाइल भी ले गए। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली में अच्छा काम करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, सुबह CBI की टीम पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली। मेरे परिवार और मैंने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उन्होंने मेरा कंप्यूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिया, वो कुछ फाइल भी ले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऊपर से मिले आदेशों के तहत छापेमारी हमें परेशान करने के लिए की गई। केजरीवाल ने कहा कि ये कदम भारत को नंबर एक बनाने के उनके अभियान की बाधाएं हैं, लेकिन वो इनके कारण रुकेंगे नहीं। उप मुख्यमंत्री के आवास पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। वही रोड पर मीडिया का जमावड़ा लगा रहा। सुरक्षा के लिहाज से मथुरा रोड पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सर्विस रोड को बंद कर दिया। ऐसे में किसी भी अनजान शख्स को रोड से निकलने की अनुमति नहीं थी। वही छुट्टी का दिन होने के कारण हाईकोर्ट बंद था। ऐसे में अन्य दिनों के मुकाबले सिसोदिया के आवास पर चहलकदमी कम रही। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।